केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जंगल राज चल रहा है। रक्षक कही जाने वाली पुलिस भी भक्षक बन गई है। जी हां, एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस 3 दिनों तक पीटती रही और जब युवक की मौत हो गई तो लाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पुलिस के इस करतूत का भंडाफोड़ हुआ तो लोग सड़क पर आ गए। अब ये इसकी जिम्मेदारी सब पुलिस की है। पुलिस ने अपने थाने में बंद रखा था, अब वो कहां मर गया, मार डाले क्या कर दिया। जमकर बवाल हुआ, फिर क्या, बवाल बढ़ता देख एसपी अमेठी ने एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक राम अवतार है कलकत्ता नाम, जिनको अवैध हिरासत में और पुलिस अभिरक्षा में संदिग्ध परिस्थितियों में जिस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया, मौके पर तत्काल सीओ साहब अपर पुलिस अधीक्षक पर हम स्वयं आए और इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो भी गाइडलाइंस हैं, डीजी सेंट्रल की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन सबको फॉलो करते हुए सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसका पंचायतनामा करवाया गया और उसके बाद पैनल से उसकी पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम करवाया गया है। साथ ही इसमें हम लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज इमोना और थाना अध्यक्ष शिवरतनगंज को सस्पेंड कर रहे हैं और इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी हमारी तरफ से प्रशासन को पत्राचार किया जा रहा है और इसके अलावा जितनी भी हमारी गाइडलाइंस हैं उन सबको फॉलो करते हुए इसमें वादी की तरफ से जो तहरीर आएगी, तहरीर पर हम मुकदमा कायम कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की पुलिस भक्षक बन गई है। पुलिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी अंकुश नहीं है। शायद यही वजह है जो पुलिस आम जनता को पीट पीट कर उनकी जान ले रही है। ताजा मामला शिरतनगंज कोतवाली की इन्हावा चौकी का है। आरोप है कि भिकारीपुर निवासी राम अवतार को इन्हावा चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र वर्मा उठा लिए और हिरासत में रखकर 3 दिनों तक पीटा। राम अवतार की हालत बिगड़ी, शिवरतनगंज थाने के एसओ ज्ञान चंद्र शुक्ल को भी हमराह कर लिया। इस दौरान राम अवतार की मौत हो गई तो उसकी लाश को सीएससी सिंहपुर पहुंचा दिया। हालांकि डॉक्टर ने राम अवतार की मौत की पुष्टि करते हुए खुद को किनारे कर लिया, जिससे पुलिस अधिकारियों की बड़ी साजिश पर पानी फिर गया और अमेठी में बवाल बढ़ गया। मेन प्रॉब्लम यह है कि इसे 3 दिन थाने में रखा गया है और 3 दिन थाने में रखने के बाद इसे इसके घर वालों को सूचना दी गई है कि आपका लड़का थाने में बंद है। जब इनके घर में संदेश आया है, कोई लड़का किसी ने बताया है कि ये संदेश है कि भैया आपके यहाँ किसी की तबीयत गड़बड़ है, आप वहाँ जाके उससे मिलाइए। ये भी नहीं बताया गया कि आपके घर का लड़का है वो, ये बताया गया कि उसके रिश्तेदार का लड़का है और उसे बताया गया उसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम भेजा गया है। घटना हुई है कि उन्होंने हमारा लड़का मारा गया, जा रहा शहर और बस से खींच के मारा गया चौकी पे, चौकी पर से मियाँ को पठे दिन थाने का और थाने वाले काल तक का जिंदा रहा पड़ो तक का सुबह तक का और बस जो है का मार दिया। बवाल बढ़ने पर राज्य मंत्री सुरेश पासी और तिलोई विधायक मैंकेश्वर सिंह पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो एसपी ख्याति गर्ग को आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। मगर सवाल ये है, क्या इतनी कार्रवाई ही काफी है? इसके अलावा अब राम अवतार के परिवार वालों का क्या होगा जो राम अवतार पर ही आश्रित थे? एनडीटीवी भारत के लिए अमेठी से मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।